सो वेलकम टू रुपेश वर्मा चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं एक और वीडियो के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ गेट 2020 के बारे में। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सो आई टी डेली टू कंडक्ट गेट 2020 एग्जाम मिशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू टॉक अबाउट द एग्जामिशन पैटर्न ऑफ द गेट 2020 एंड द एप्लीकेशन रिलीज डेट एंड द एलिजिबिलिटी and other detail like the official website of gate 2020. so let's see. तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कब आपका स्टार्ट हो जाएगा? तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। योर एप्लीकेशन टू बी बिगिन फ्रॉम द सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स एट इन 2019 एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेट। तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitd.ac.in। तो आगे देखते हैं दोस्तों। सो देखिए, इस गेट आई टी डेली टू कनेक्ट गेट 2020 एग्जामिनेशन एंड द कन्फर्म बाय द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आई टी दिल्ली एम बालाकृष्णा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा वो आपका एक्टिवेट होगा फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। तो जब भी एक्टिवेट होता है तो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल पर रहें और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में लिखें। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitd.ac.in। तो आगे देखते हैं सिलेबस। सो नाउ एज पर द एलिजिबल शेड्यूल द एग्जाम विल बी कनेक्टेड इन द फरवरी ऑफ द फर्स्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गेट 2019 आईआईटी मद्रास के द्वारा कनेक्ट किया गया था और एग्जामिनेशन का डेट था 2nd, 3rd, 9th and 10th of February 2019। तो इस बार भी इसी तरह का एग्जामिनेशन होगा। जब ये ऑफिशियली अनाउंस होता है तो मैं अपने चैनल पर जरूर डाल दूंगा। तो बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज इन द जनवरी एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस इन द March 2020। सो आपका सिलेबस एज यूजुअल सेम रखा गया है। सो इसका लिंक जब भी एक्टिवेट होता है तो मैं अपने चैनल पर जरूर डाल दूंगा। So you have any doubt in this video, so please write in the comment section box. I will reply on there. So please like and subscribe and the comment. So thank you so much.